खा लीजिए। क्या हो गया इसके? गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? तो गाइस अभी सुबह के बजे हुए 7:30 और मैं सुबह 6 बजे से उठ रही हूँ और अपना बाकी सारा काम है जो ख़त्म कर दिया, क्योंकि त्यौहार आ रही है गाइस, तो जल्दी उठना ही ज़्यादा सही है और जितना भी काम होता है फिर जल्दी ख़त्म हो जाता है। वैष्णवी उठ गई थी और फ्रेश होकर वो अभी नीचे गई है और मैं अपना पानी पी रही हूँ, ठंडा हो गया था दोबारा गर्म करके लेके आई हूँ। और बस अभी जो है नहा धोकर फिर मंदिर जाकर अपना बाकी काम है जो वो ख़त्म करूँगी। जैसे ना एसी में से ना आवाज़ आ रही थी कट कट की, तो मैंने इनसे बोला एक बार चेक कर लो इसके अंदर कुछ है तो नहीं, तो मुझे चूहे का डर था, तो इन्होंने चेक किया तो पता नहीं है नहीं है, अभी खोल के देखेंगे। तो और पर इसमें से आवाज़ आ रही थी मोटू, मन्नो या ना मन्नो? नहीं मैं मान लूंगा तेरी बात, उधर से देखना पड़ेगा क्योंकि ऊपर बंद है ना, देखो जाली हो उस साइड से कहा जाली है ना, ये ऊपर तक मिली पड़ी, तो ये ही तो मिली, तो बाहर से आ रही होगी पर कहीं ना कहीं तो कट कट हो ही रहा। तो बाहर से आ सके क्योंकि मैंने वो चलाया था इंजेक्शन, जैसे काटने की नहीं आवाज आती क्या? कट 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 जैसे चूहा कटक रहा है, सेम ऐसी, या पीछे गिलहरी काट रही हो इसी के पाइप के पाइप कट हो जाएगा गिलहरी? हाँ तो वो हो रहा होगा, इसके जो वो पाइप जाना ना वैसे वाला उसमें लगी रहा है, कितना गंदा हो रहा था। तो गाइस मेरी ड्यूटी ना इस बार में लगा दी, छुट्टी वाले दिन तो थी मेरी पूरी ड्यूटी काम करने की, आज भी लगा दी और मैं बीवी के चक्कर में आया करो, कहीं चढ़ा रहा है ड्यूटी पे आ गया, चूहा कट रहा फलाना कट रहा है कुछ नहीं, इसमें सुबह सुबह साफ करवाने का तरीका हो गंदा, और मेरा जाने का सीढ़ी रखी सीढ़ी आज चली जाओगी, तो इसलिए तो फिर रुपये कह रहे उनको चुमा पड़ गया और साफ भी जगह से बांध लेते थे, ये बात थी ना। अच्छे से साफ नहीं किया पर आपने, अरे गिल्ला रहा कपड़ा दूसरा देते मुझको, गिल्ले का तो हो गई साफ, निशान छोड़ रहा मैं देखो, पहले आप इसे साफ कर दो, मैं दूसरा कपड़ा फिर भिगो के ला दूंगी फिर साफ कर दियो, पर ये तो बहुत गंदा आ रहा है कपड़ा धोने का नहीं, तो लाओ मुझे तो फिर। वाह पता नहीं, वाह मेरा तो काम बढ़ा दी, पोछा लगा रखा था झाड़ू लगा रखी थी, ठीक बस बीच का बीच ये रह रही, मैंने पकड़ रखा आपको हीटर हो गया, बात होनी है अब तो झुकना पड़ रहा है, मैं कर देता आ जाओ मम्मी एकदम को फेर देखो अपने सामने, हमारी साफ सफाई कंप्लीट हो चुकी नहीं हुई है, वो भी तो करना आपको, अभी वो भी करो साथ के साथ, चलो तो गाइस लगे हाथ ही में काम करवा देती हूँ, आज तो भाई साफ सफाई पूरी करवा रही जोरदार, क्योंकि अब हो जाएगी तो हो जाएगी फिर नहीं होने की, वो वाला एरिया रहता है ना मैंने आपको बताया था कल, चुआया क्या किसमें? अरे कपड़ा फेरना बस इस पे और कुछ नहीं, वो तो मुझे पता साफ सफाई तो मैं रखूँ, बस इस पे कपड़ा फेरना, हाँ देखो कुछ गंदगी तो नहीं, वो मैं अपना आप हटा दूँ, बस ये थोड़ा सा यही था, एसी था ये था, एसी के एसी का कवर मंगवा लो भाई, सुन लोग लेके जाना पड़ा डॉक्टर का, पता नहीं क्या तबीयत खराब हो रही इनकी, शुगर वगैरह तो ठीक है ना, बीपी बढ़ा जाना घर का क्या हो रहा है सारा घर ना, ओके फिर
क्या हो गया माजी का है? क्या हुआ माजी का है? क्या हो गया मामा? सुन लगी तू ही लगा दी माजी का लगी माजी का क्या होगा? क्या बात हुई बताओ किधर लगे तो पटाखे था के साथ जाके अपने। ओ कौन लाया दिलवा के? कौन लाया भाई? कौन लाया? ताऊ जी। ताऊ जी लाए। मैं भी तू ही पटकाओगी मान जा तू। डिपला खा रहे पापा डिपला मंगे दे मुंह तो चबा रखे निकल रखे। बैठ जाओ ही बैठ जाओ दोनों। हाँ तू भी बैठ जाएं। चल भाई चल मुझे मकान दिखाना चल। तो मम्मी का ना आज रोटी खाने का मन है तो ब्रेड सेक रही क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना गाइस। तो जितने भी गर्म कपड़े निकले थे ना कल तो इन्हें धूप में सुखाऊंगी थोड़े ताकि इनकी स्मेल निकल जाए और इसके अंदर जितने भी कीटाणु वगैरह होंगे समर जाएंगे। उसके बाद इन्हें दोबारा से के बाद जितने भी कपड़े हैं सुखाने के बाद दोबारा धोऊंगी उसके बाद सुखाऊंगी तो स्मेल चली जाएगी वरना फिर जो एक दूसरे की स्मेल एक दूसरे में चली जाएगी। छी वैष्णो छी आइए। ओ ले कोई नहीं। अरे बच्चू कैसे रोती है वैष्णो कैसे रोती है? रोके दिखाओ नो 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 नो। गाइस मैंने मंदिर भी साफ कर दिया है और बाहर जितने भी कपड़े थे ना वे वाले सुखा दिए मैंने बाहर वैष्णवी के सुखाए। फिलहाल अपने तो नहीं सुखाए है पहले वैष्णवी के सुखा दिए जब उसके सूख जाएंगे फिर अपने डाल देंगे स्मेल चली जाएगी। फिर ये जो है कल को मशीन लगाऊंगी परसों को मशीन लगाऊंगी ना कभी भी तब जो है फिर से धो दूंगी। तो ध्यान में देखिए क्या बनाया देखो गाइस विधान ने क्या बनाया। बेटा ऐसे ना लटके बेटा पीछे हो जा पैर उठने लग रहे थे तेरे। तो देखो कितना बड़ा टावर बनाया इसने दुबई से भी ऊंची बिल्डिंग बनाई इसने। पापा वाह वो गिर गई। चल कोई नहीं। और गाइस वैष्णवी भी सो गई है बस इसे अभी सुलाया मैंने। बाकी मेरा सारा काम खत्म हो चुका है बस मुझे अब कुछ नहीं करना अब वीडियो एडिट करूँगी क्योंकि वीडियो एडिटिंग का काम ना मैं वैष्णवी के सोने के बाद ही करती हूँ। पहले उससे पहले मुझे टाइम नहीं मिलता क्योंकि इसके जैसे बच्चे हैं शोर शराबा करते हैं और वैष्णवी पूरा शोर शराबा करती है गाइस इस वजह से मैं इनके सोने के बाद ही करती हूँ। चलो गाइस अब मैं बाद में मिलती हूँ आपसे।